नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज हर्ष उल्लास एवं भक्ति भाव के साथ ही पाली। अग्नेस्त्र के साथ 3 लोग गिरफ्तार। कोरोना वायरस को लेकर सिक्किम में नाका इलाकों में नियोमेट्रिक स्क्रीनिंग शुरू। बहुजन क्रांति मोर्चा ने CAA NRC और EBM के खिलाफ आज भारत बंद का किया ऐलान। 45 लाख की नशीली दवाओं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आप सभी को एसके लाइव की तरफ से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज देश के विभिन्न हिस्सों के साथ पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी में भी पूरी श्रद्धा भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही आज चारों तरफ मां सरस्वती की पूजा को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न विद्यालयों के साथ क्लबों और रास्तों में भी मां सरस्वती की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है और पारंपरिक पोशाक कर छात्र छात्राएं मंत्रोच्चारण के साथ सरस्वती की पूजा अर्चना किए। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने इस बारे में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं दे रही हूँ। इस बार जो 2 दिन ही पड़ा है, अभी 11 बजे से शुरू हुआ है। 11 बजे से शुरू हुआ, अभी हम लोग का यहाँ पूजा हो गया है, अंजलि हो गया, सब अच्छे ढंग से। अभी प्रसाद वितरण है, आप लोग भी आइए। अंदर में खिचड़ी वगैरह बन रहा है, तो सारे के लिए खिचड़ी का आयोजन किया गया है। सभी बच्चे, गार्जियन, जो अभिभावक हैं, इवन जो भी बाहर से आते हैं, ये त्यौहार ये पूजा है, ये सबके लिए है। लेकिन माँ सरस्वती चाहती है कि वो हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी विद्या है, वो पूरे सभी लोगों में फैल जाए, ताकि जो भी आए दिन हम लोग जो बुराई आसपास हम समाज में देखते हैं, वो बुराई जो है धीरे 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 करके खत्म हो जाए। और आज का जो विज्ञान का युग है ना, आज जो लोग धीरे 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 कर करके हम लोग आए दिन समाज में बहुत तरह के घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें माँ सरस्वती से, इस ज्ञान की देवी से, ज्ञान दायिनी से हमें वो ज्ञान ले लेना चाहिए, ताकि हम समाज को कुछ अच्छा दे सकें। अगर समाज अच्छा रहेगा तो हमारे जो बच्चे हैं। चीन में शुरू हुए कोरोना वायरस अब तक विश्व की 12 से ज्यादा अधिक देशों में आतंक फैला रहा है, इसलिए भारत में भी पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। सिक्किम चीन से सटा हुआ है, इसलिए सिक्किम सरकार विशेष सतर्कता अपना रही है। कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति सिक्किम में प्रवेश नहीं कर सके, इसके लिए राज्य के प्रमुख नाका चेकिंग इलाके में बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग शुरू किया गया है। इस विषय को लेकर कल राज्य के मुख्य सचिव SC गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की गई एवं मीटिंग में निर्णय लिया गया, एवं साथ ही साथ इस विषय पर तत्काल कार्यान्वयन करते हुए आज से रंपू चेक पोस्ट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में आवागमन करने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू की गई है। इस विषय पर रंपू स्क्रीनिंग कार्यालय के डॉक्टर मनोज मिश्र ने जानकारी दी है। हमें यहाँ चेक मेन एंट्री पोइंट में रम्पू एउटा एंट्री पोइंट है, जहाँ यो भाइरस थ्रु ह्युमन बिङ पस्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी ह्युमन टु ह्युमन चेकिङ गर्नलाई चाहिँ अहिले हामी विथ पुलिस पर्सनल हामी स्टाफहरू भएर अहिले रम्पू चेकपोस्टमा डेप्युट गरेछौँ, है, स्टार्ट पनि गरिसकेको छौँ। र हामी चाहिँ विशेष जति नै यो अहिले आउटब्रेक भइरहेको छ, यो आउटब्रेक चाहिँ प्यानिकी मेन चाहिँ बेसिकली प्यानिकी कोही नहोस्, वुहान भन्ने एउटा चाइनाको एउटा प्रोभिन्सबाट चाहिँ एउटा ठुलो एउटा घातक यो बिरामी फैलिएको छ, है। यो चाहिँ अब के कारणले फैलियो वी डोन्ट नो, तर हामीलाई अर्डर आएको छ है माथिबाट, हामी यहाँ स्क्रिनिङ गरेको छ, होइन, हामीले 24x7 हामीले यहाँ स्क्रिन गर्नु आज दिन 29 दिन चालु गरेको छौँ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ बाहिर, है। र ह्युमन टु ह्युमन अहिले जुन चाहिँ एउटा सर्ने प्रकोप छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ यहाँ चेकपोस्टमै, कसरी यसलाई क्वारेन्टाइनमा हाल्न सक्छौँ भनेर हामीले अब यो कामहरू चालु गरिसकेको छ। यसो भइहाल्यो भने चाहिँ हामीले के प्रिकसन छ भने उसलाई बेसिकली प्यानिकी नभएर चाहिँ हामी एउटा डेप्युटेड जग्गामा चाहिँ हामीले
उहाँलाई राखेर चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन हामी गरेको छौँ है। त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल उनीहरूको टोइलेट पनि अलग्गै हुनुपर्ने रहेछ, रुम पनि अलग्गै हुनुपर्ने रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एसएनएम हस्पिटलमा माथि एउटा डेजिग्नेटेड जग्गा हामी बनाएको छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले उहाँ पेसेन्ट चाहिँ हामी त्यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एसडिएम साहबलाई नि ब्रिफिङ गरिसकेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा अलग्गै एम्बुलेन्स हामीले होइन उहाँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। यदि हामीले यहाँ सस्पेक्ट गरिहाल्यौँ भने चाहिँ त्यो एम्बुलेन्स हाम्रोमा आइहाल्छ, त्यो एम्बुलेन्स लिएर चाहिँ त्यो जग्गामा हामीले। सिलगढीमा 45 लाख की नसिली दवाओं के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने सेवक रोड स्थित आकाशवाणी भवन के सामने तस्करों को पकड़ा। सिलगढ़ी पुलिस कमिश्नरेट की भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिले सुराग के आधार पर भारी मात्रा में नशीली दवा यानी टैबलेट के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के नाम मार्टीगढ़ निवासी साजेहा साइबो तथा बिहार निवासी संजय कुमार बताया जा रहा है। जब्त यावा टैबलेट की अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए बताई गई है। भक्तिनगर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ACP ईस्ट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ये दोनों युवक यावा टैबलेट तस्करी के उद्देश्य से सेवक रोड स्थित आकाशवाणी भवन के सामने आए थे। इस बीच गुप्त सूत्रों से खबर पाकर भक्तिनगर थाना पुलिस ने अभियान चलाकर मंगलवार शाम को ही उन दोनों को गिरफ्तार किया। उन दोनों के पास एक बैग से पुलिस को यावा टैबलेट मिला है। आज बुधवार को दोनों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। आज जैसे सोर्स इन्फॉर्मेशन थी हम लोग के पास कि कुछ लोग जो है जो एक टैबलेट होती है यावा टैबलेट, यावा इसे मैडनेस ड्रग भी कहते हैं या क्रिस्टल मेथ भी कहते हैं, एंड ये अच्छा खासा मतलब बहुत स्ट्रांग ड्रग है और जनरली इसका यूज जो है रेव पार्टीज में है और इसी एक एक टैबलेट की कॉस्ट अच्छी खासी होती है। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास थी कि कुछ लोग जो है यहाँ पे कंसाइनमेंट वगैरह जो है डिलीवर करने आएंगे, तो अकॉर्डिंगली ऑन द टिप ऑफ द सोर्स इन्फॉर्मेशन हम लोग ने भक्तिनगर जो CS है इनकी टीम को अलर्ट किया गया। टीम ने जाके जो है इनको आकाशवाणी के पास जो है इनको अकॉर्डिंगली पूरा हिसाब से जो है इनको जो है अप्रिहेंड किया एंड इनके पास जो है पोजीशन से बैग वैग मिला। अकॉर्डिंगली जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से करके हमने पूरा सीजर करके टेबलेट्स तकरीबन जो है पूछताछ पता लगा कि 26,000 यावा टेबलेट्स है जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेट 42 to 45 lakhs है। दो लोग जो अरेस्टेड हैं उनके नाम हैं साजे साइबो जो माटीगारा दार्जिलिंग के रहने वाले हैं और दूसरे का नाम है संजय कुमार जो मोतिहारी बिहार से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही जो है अकॉर्डिंगली सीजर करके और आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया। आपको कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। कहाँ से आ रहे थे ये ड्रग्स? सुनिए देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए जाता है। मेन इसका जो है ओरिजिन है नॉर्थ ईस्ट वाला म्यांमार वाला से आता है। ये इनकी तो इन्फॉर्मेशन टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, हमें बस यही था कि यहाँ पे है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में जैसा होगा आप लोग को इतला किया जाएगा। देश के अन्य हिस्सों के साथ जलपाईगुड़ी में भी आज विद्या देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। विभिन्न विद्यालयों के साथ क्लबों और रास्तों पर भी माँ की प्रतिमा सजाई गई है और मंत्र उच्चारण के साथ देवी की आराधना की जा रही है। छात्र छात्राओं में इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच सरस्वती पूजा के कारण फल और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। विशेषकर फलों की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। আমরা দিনবাজারে এসছি, আমরা ক্ষেত্রমোহন হাই স্কুল থেকে এসছি বড়ুয়াপাড়া। বাজার তো যা হয় একটু দাম সবই বেশি, এর মধ্যেই আমাদের করতে হবে, পুজো তো করতে হবে। আমাদের ছেলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এসছি, আমরা পলিগ্রা অনেকে এসছি, তা এইভাবেই চলবে আর কি। প্রতি বছর এটা হয়, তবে এর মধ্যে একটা আনন্দ আছে। হ্যাঁ, মোটামুটি তো সবই হলো যা যা লাগে সরস্বতী পুজোয়। ওই আপনার ওই আপেল, শসা, শাকালু, নারকেল কুল, তারপরে আপনার ওই আঙ্গুর, একটু যা লাগে এই আর কি। মাসের শেষ বুঝতেই পারছেন, আজকে মাসের 28 তারিখ হয়ে গেল, আর বাজার তো এমনি নর্মালি আছে, তাও যা হয় পুজো পাইলে অনুযায়ী। কোন জিনিসের দাম কি এমন মনে হলো যেটা কেউ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি? এবার ভালো মনে হচ্ছে। बहुजन क्रांति मोर्चा ने CAA NRC और EVM के खिलाफ आज बुलाया है भारत बंद। मुंबई में रोकी गई लोकल ट्रेन। बहुजन क्रांति मोर्चा ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसको देखते हुए राज्यों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा के इस भारत बंद को NRC CA का विरोध करने वाले अन्य संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। मुंबई के कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन को रोक दिया। इस भारत बंद के आह्वान का मुख्य एजेंडा CA, NRC और EVM का विरोध है। विरोध के अलावा पोस्टर में यह मांग भी उठाई जा रही है कि NRC DNA के आधार पर लागू होना चाहिए। भारत बंद के दौरान देश के कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालांकि सिलगढ़ी सहित देश के अधिकतर शहरों में इसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।
कोचबिहार थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर तीन लोगों को अग्नेश के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आबकारी रोड में कुछ लोग अग्नेश के साथ घूम रहे हैं। इसके बाद अचानक से पुलिस ने धावा बोल दिया और वहां से जयंत वर्मा, दिलीप सिंह और लिटन राय ने 9 mm पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पिस्तौल में गोली भरी हुई थी, उसके पास से कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पिस्तौल लेकर क्या करने की योजना बना रहे थे वे लोग, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध अवैध रूप से हथियार रखने का भी मामला दायर किया है। दार्जिलिंग के घूम में नेशनल एंटी क्राइम एवं मानव अधिकार आयोग का कार्यालय खोला गया है। इस नए कार्यालय का शुभारंभ पीएलबी सचिव जयंती साह ने किया। उक्त कार्यक्रम घूम जोरबंगलो थाना प्रभारी मिंगमा लेपचा, ट्रैफिक प्रभारी दोरजे सिरपा, वुमेन सेल की प्रभारी वंदना प्रधान, नरकोटिक्स विभाग के अशोक छेत्री, पीसीबी जिला कोर्ट की प्रीति थापा, घूम एकामड़ी के बुद्ध तामंग, सेना में मेडल प्राप्त वीर बहादुर तामंग, घूम थाना के SI शेखर छेत्री एवं मीडिया के छिरिंग शेरपा भी उपस्थित थे। इट्स नॉट जस्ट अ सर्टिफिकेट एनकरेजमेंट जस्तो हो, यो भएर चाहिँ हामी अझै मोटिभेट भएर फ्युचरमा अझै राम्रो कामहरू गर्नु, सोसियल वर्क गर्नु या पुलिसको जे पनि पब्लिकलाई हेल्प चाहिन्छ त्यो गर्नु लागि हामी अझै मोटिभेट भएर जाँदैछौँ। हामी अहिले ड्रग्सको पनि काम गरिरहेका छौँ है। फ्युचरमा यही एक्सपेक्टेसन छ कि विथ लिगल सेल एन्ड ह्युमन राइट्स जलपाईगुड़ी में आयोजित 10 किलोमीटर रोड रेस प्रतियोगिता में एलियास माटू जाम्बी हुए चैंपियन, 12वीं प्रतियोगिता ने लिया हिस्सा। जलपाईगुड़ी नगर पालिका की ओर से मंगलवार को आयोजित 10 किलोमीटर रोड रेस प्रतियोगिता में एलियास माटू जाम्बी चैंपियन हुए। उन्होंने 29:26.7 में प्रतियोगिता पूरी की। दूसरी ओर 29:45.47 में प्रतियोगिता पूरी कर गोरखा रेजिमेंट के जवान तीर्थपुर दूसरे स्थान पर रहे। दरअसल पिछले वर्ष वे इस प्रतियोगिता के चैंपियन हुए थे। वहीं 29:49.48 में प्रतियोगिता पूरी कर महाराष्ट्र के रंजीत कुमार पटेल ने तीसरा स्थान हासिल किया। कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में करीब 1200 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता आज सुबह नगर पालिका भवन के सामने शुरू होकर बड़ा पोस्ट ऑफिस मोड़, PWD मोड़, रायकरपाड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बगल से होते हुए वीडियो ऑफिस मोड़ से कारला सेतु होते हुए शांतिपाड़ा, बेंगुटारी व करमतला होते हुए नगर पालिका भवन के सामने पहुंचकर समाप्त हुई। प्रतियोगिता के चैंपियन को 1,00,000 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की गई। धूपगुड़ी में एक बाइसन ने मचा रखा है आतंक, अभी तक 9 लोगों को कर चुका है घायल। नींद की गोली मारने के बावजूद घूम रहा है पूरे इलाके में। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी शहर के 8 नंबर वार्ड के भाववालपाड़ा और गणेशपुर इलाके में एक बाइसन के आ जाने से पूरे इलाके में हलचल मची हुई है। खबर मिलते ही धूपगुड़ी थाने की विशाल पुलिस मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, बाइसन को पकड़ने और स्थिति से मुकाबला करने के लिए बिंडागुड़ी वाइल्ड लाइफ स्क्वाड और वन विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले एक महिला ने बाइसन को देखा, दरअसल वह झाड़ू लगा रही थी। अचानक से उस पर बाइसन ने हमला कर दिया। वन विभाग की तरफ से उक्त बाइसन को नींद की गोली मारी गई है, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। अभी तक 9 लोगों को घायल वह बाइसन कर चुका है। पूरे इलाके में इसको लेकर के अभी भी तहलका मचा हुआ है। वन विभाग पुलिस मौके पर नजर रखे हुई है और बाइसन को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उठे देखिए एकदम बाइसनरी ওদিকে অনেক যন্ত্রণা করার পরে আমার বাড়ির ভিতরে বাগানে ঢুকছে, বাগান তসনস করে ওখানে যাচ্ছে। এখন বন দপ্তর আসছে, এরা মানে গুলি করছে, মানে ও বসে আছে, এখন ও মানে বসা অবস্থায় আছে। লোকজন আছে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, থানা আছে, কাউন্সিলর আছে। দেদে ছোট সা ব্রেক, কই যাইয়েগা মত, বনে রিয়ে এসকে লাইভ কে সাথ। जैसा कि एसके लाइव के सभी दर्शकों को मालूम है, सुखना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। अब इसका क्वार्टर फाइनल मैच आगामी महीने के 1 फरवरी से होने जा रहा है। आपको बता दें, इस फुटबॉल टूर्नामेंट का एकमात्र चैनल पार्टनर है एसके लाइव, और एसके लाइव इस फुटबॉल टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब के साथ पूरे उत्तर बंगाल और सिक्किम के सभी टेलीविजन स्क्रीन पर करता रहा है। और जब अब फुटबॉल टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने जा रहा है आगामी 1 फरवरी से 9 फरवरी तक, इसका भी सीधा प्रसारण एसके लाइव के फेसबुक पेज, यूट्यूब और उत्तर बंगाल और सिक्किम के सभी टेलीविजन स्क्रीन पर जैसा पहले दिखाया जाता था वैसा अभी भी दिखाया जाएगा। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच आगामी 9 फरवरी को खेला जाएगा, इसीलिए इसे देखना न भूलें। Sunshine High School, an English medium co-education school.
affiliated to ICSE board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs, games, indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School 7797965318 9743155003. क्या आपके घर में शादी है? कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवेब्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवेब्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। के तपाई एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइफ 24 घण्टा न्यूज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड सम्बर्द्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में अब शिक्षक गृह जिले में पा सकेंगे तैनाती, ताकि स्कूलों के साथ परिवार को भी दे सकेंगे अधिक समय। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नई पहल करते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती उनके गृह जिले में करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने तथा आने वाले चुनाव के लिए नया समीकरण साधते हुए यह ऐलान किया है। शिक्षकों को यह सौगात देकर मुख्यमंत्री ने एक बड़े वर्ग को साधने का उपक्रम किया है। सरस्वती पूजा के ठीक एक दिन पूर्व मंगलवार को ममता बनर्जी ने ट्वीट के जरिए महत्वपूर्ण घोषणा की। ममता ने शिक्षकों को मुख्य अभिभावक बताते हुए समाज और राष्ट्र में उनके अप्रतिम योगदान की चर्चा की। तर्क दिया कि स्कूल के अलावा शिक्षक अपने परिवार को भी समय दे सके, इसलिए गृह जिले में तैनाती का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद देश और राज्य के सामूहिक विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों की भागीदारी बढ़ेगी। कोरोना वायरस से चीन में मृतकों की संख्या 132 तक पहुंची। वुहान में 500 भारतीय सुरक्षित। 31 जनवरी को एयर इंडिया एयरलिफ्ट कर सकती है। कोरोना वायरस से हुबई प्रांत में 25 अन्य लोगों की मौत हो गई है। इसके कारण चीन में मौत का आंकड़ा 132 तक पहुंच गया है। चीन में 6000 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 10 दिनों में स्थिति भयावह हो सकती है। सरकार ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। भारत सरकार ने कहा कि वुहान में 500 भारतीय हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया वुहान से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए 31 जनवरी को अपनी फ्लाइट भेज सकती है। इस बीच चीन में वायरस का शिकार बनी पहली भारतीय महिला प्रीति महेश्वरी की हालत में सुधार हो रहा है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में चलेगी देश की पहले अंडर वाटर मेट्रो। 66 दिन में बनी टनल। आधे घंटे का सफर 1 मिनट में होगा तय। देश की पहली अंडर वाटर टनल महज 66 दिन में बनकर तैयार हो गई है। यह टनल कोलकाता में हुगली नदी में 36 मीटर गहराई में बनाई गई है। 520 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची टनल में ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है। यह प्रोजेक्ट मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। 500 मीटर लंबी टनल को पार करने में महज 1 मिनट का समय लगेगा। रोजाना 9 लाख लोग इस रूट पर यात्रा करेंगे। अभी हावड़ा पुल को फेरी की मदद से पार करना पड़ता है, इससे 30 मिनट लगते हैं। यह टनल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगी। इसकी लागत लगभग 8,572 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। निर्भया दुष्कर्म मामले में अब फांसी पक्की। निर्भया के गुनाहगार मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। दया याचिका खारिज करने के विरोध में लगाई थी याचिका। निर्भया गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए थे। मुकेश ने अपनी दया याचिका खारिज करने के लिए खिलाफ दाखिल की थी। मुकेश के वकील अंजना प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रपति के सामने कई दस्तावेज नहीं रखे गए थे, इसलिए दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए।
अपने वकील के जरिए मुकेश ने कहा था कि उसका जेल में यौन उत्पीड़न हुआ था और उसके भाई राम सिंह की हत्या की गई थी। इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा। गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज भेजे थे। मुकेश की याचिका में कोई मेरिट नहीं है। जेल में प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है। इसके बाद मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार को एक भीषण हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। एक बस और ऑटो रिक्शा में टक्कर हुई और दोनों की गाड़ियां सड़क के पास बने एक गहरे कुएं में समा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस ऑटो को घसीटता हुआ सड़क किनारे स्थित कुएं में गिर गया। परिवहन मंत्री ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतक के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों के उपचार का खर्च भी राज्य परिवहन विभाग उठाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।